जोधपुर के किंग सरदार वल्लभ भाई पटेल और उनके एडवाइजर के साथ उनकी मीटिंग चल रही थी। उन्होंने रिवॉल्वर निकाल ली थी और वीपी मेनन पे रख दी थी। ये पूरा इंसिडेंट तब था जब प्रिंसली स्टेट को इंडिया में मिलाया जा रहा था। अभी लोगों को सिर्फ ये पता है कि कश्मीर में थोड़ी सी कंट्रोवर्सीज चल रही है। जोधपुर एक बहुत बड़ा स्टेट हुआ करता था, वो पाकिस्तान के जिन्ना के ऑफिस में बैठे हुए थे। उनको जिन्ना ने ब्लैंक पेपर दिया हुआ था साइन करके कि जो आपकी मांगे है इसमें लिख लो, आपकी पूरी की जाएंगी मांगे, आप पाकिस्तान में सम्मिलित हो जाओ। और वो मिलना भी चाह रहे थे जैसलमेर और उनके आसपास के उदयपुर के जो रीजन थे उनसे भी बात करके रखी हुई थी, क्योंकि वो उनके रिश्तेदार थे। उस टाइम में होता था ना राजा महाराजाओं के साथ ही आपस में होती थी, तो उन्हें भी कन्विंस कर रहे थे कि भाई आप भी पाकिस्तान में चले जाओ। लेकिन जो बाकी के स्टेट थे जो एडवाइजर्स वगैरह होते थे उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल को बता दिया कि भाई ऐसा ऐसा केस चल रहा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जोधपुर के किंग को अप्रोच किया, बताया कि भाई अगर किसी भी केसेस में हिंदू मुस्लिम रायट्स हुए आपके पाकिस्तान में जाने के बाद हम कोई हेल्प नहीं करेंगे। उस टाइम पे वैसे भी सिख और मुस्लिम रायट्स हो रहे थे अमृतसर पंजाब वगैरह में, और जो जोधपुर के लोग थे वो भी नहीं मिलना चाह रहे थे पाकिस्तान में। फाइनली जोधपुर के जो लोग थे उनके प्रेशर में जो पूरा कंडीशंस बनी और सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन के दिमाग से जोधपुर को इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया बनाया गया था।